हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सप्रसंग वाक्य को हिंदी में किस प्रकार करते हैं। मेरी पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा, इसके लिए धन्यवाद। और मैंने जब कमेंट पढ़ा तो कमेंट में ज्यादातर कमेंट सिर्फ सर काइंडली मेक अ वीडियो ऑन आरटीसी, कृपया सब प्रसंग व्याख्या करो का वीडियो बनाए। जितने स्क्रॉल करते हुए जा रहा हूँ ज्यादातर कमेंट में बस यही है। तो आज आप लोगों के फरमाइश पर मैं लेकर आया हूँ सब प्रसंग व्याख्या करो किस तरह से करते हैं। सब प्रसंग व्याख्या करो करने के लिए हमें चाहिए कोई एक पंक्ति या फिर पंक्तियां, या तो वो गद्यांश हो या पद्यांश। जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है सब प्रसंग व्याख्या करो, तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन होता है ये अथवा ये। तो कभी कभी देखने को मिलता है कि दोनों पोएट्री सेक्शन से दिया हुआ है, पद्यांश से दिया हुआ है। कभी कभी देखने को मिलता है कि दोनों गद्यांश से दिया हुआ है, कभी एक पद्यांश एक गद्यांश। जो भी कुछ हो, अगर दो दिया हुआ है तो हमें तो पता करना पड़ेगा कि किसका आंसर हम लिख रहे हैं। टीचर को तो मालूम होना पड़ेगा किसका आंसर हम लिख रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट से सब प्रसंग व्याख्या करो का पहले उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो कोई भी सब प्रसंग व्याख्या करो अगर हम करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान देना है। संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, उपसंहार। अब इसको हम फ्रेम कैसे करेंगे? संकेत में जो पंक्ति दी हुई है उसी पंक्ति को हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि जसुमती उधर अगाध पंक्ति दी हुई है, इसी पंक्ति को हम लिख देंगे। पंक्ति है तो पंक्ति को लिखेंगे, पंक्तियां है तो पंक्तियां को लिखेंगे। और संकेत लिखना जरूरी है कि नहीं? अगर हम संकेत नहीं लिखते तो क्या हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा? तो इसमें एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें दिया हुआ है सब प्रसंग व्याख्या करो और ये पंक्तियां दिया हुआ है, तो वहां पे आप संकेत नहीं लिखते तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है कि ये पंक्ति अथवा दूसरा पंक्ति, तो आपको संकेत लिखना है, ठीक है? तब वरना आपका गलत हो जाएगा। संकेत लिखने का दूसरा फायदा, कहां पे राइट होगा कहां पे रॉन्ग होगा, आपने संकेत नहीं लिखा और संदर्भ में आपने लिख दिया उपयुक्त पंक्तियां, ऊपर में पंक्ति कहां है? ऊपर में तो पंक्ति है ही नहीं, तो टीचर को कैसे पता चला उपयुक्त पंक्तियां? तो वो उपयुक्त पंक्तियां जो आपने लिख दिया उसकी वजह से रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो अभी हम संकेत अगर लिख देते हैं, उसके बाद अगर हम लिखते हैं उपयुक्त पंक्तियां, क्योंकि उपयुक्त का मतलब क्या है? उपयुक्त का मतलब है ऊपर दिया हुआ। तो उपयुक्त पंक्तियां अब हम लिखते हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होगा, और अगर संकेत हम नहीं लिखते और लिखते उपयुक्त पंक्तियां तो हमारा आंसर रॉन्ग होगा। टीचर को पता ही नहीं कि ऊपर में पंक्ति कौन सा है, तो टीचर करेक्शन कहां से करेगा? तो संदर्भ में हमें क्या लिखना है? संदर्भ में सबसे पहले पंक्ति कहां है, तो ऊपर में पंक्ति है वो हमने लिख दिया। उसके बाद ये पंक्ति आया कहां से, तो पंक्ति आया हमारा चैप्टर पद से, और पद चैप्टर है कहां पे? अंबर बुक में है। कौन सा अंबर बुक? अंबर भागे। तो हम लिखेंगे उपयुक्त पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के पद नामक पद्यांश से ली गई है, या फिर पद नामक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता है सूरदास जी। अब देखिए यहां पे ले गए हैं, इसको दूसरी तरफ से भी हम लिख सकते हैं। उपर्युक्त पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के पद नामक कविता से ली गई है, जिसके कवि है। अब कवि और रचयिता, लेखक, ये चीज कहां पे कैसे फिट होगा? लेखक अगर हम लिखते हैं तो लेखक किसे कहते हैं? जो कहानी लिखते हैं, जो लेख लिखते हैं उसे लेखक कहते हैं, लेकिन जो कविता लिखते हैं उसे हम कवि कहते हैं। और कवि कविता को रचते हैं, रचा जाता है। पोएट कंपोजेस द पोएम, ठीक है? पोएम को कंपोज किया जाता है, इसीलिए कंपोज की जगह में हम रचना लिखेंगे, रचयिता। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर में, तो दूसरा पार्ट है प्रसंग। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, किस प्रसंग में कहा गया है? तो हमें पता है कि उपर्युक्त पंक्तियां, उपर्युक्त की जगह में हम प्रस्तुत भी लिख सकते हैं, इन पंक्ति भी लिख सकते हैं। देखिए पंक्ति और पंक्तियों के बारे में हमें जानना है, सिंगुलर प्लूरल। अगर पंक्ति है तो उपर्युक्त पंक्ति, अगर पंक्तियां है तो उपर्युक्त पंक्तियां। सिंगुलर प्लूरल का देखिए, जैसे दो पंक्तियां हैं तो हमें पंक्तियां वर्ड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। अब प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, मतलब जो पंक्ति है उसके माध्यम से
कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि, तो यहाँ पे हम इसके बारे में लिखेंगे। तो कवि क्या कहना चाहते हैं, तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि बाल कृष्ण की सौंदर्य को दर्शा रहे हैं। तो इन पंक्तियों में बाल गोपाल की सौंदर्य का बखान किया जा रहा है, तो बस हम उतने ही लिख देंगे, ठीक है। अब अगला पार्ट है व्याख्या। व्याख्या में हमें क्या देखना है, व्याख्या में हमें देखना है कि इन पंक्तियों में लेखक ने क्या कहा है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने से पहले कुछ पॉइंट्स हमें यहां से निकाल लेना होगा। अब देखिए यहाँ पे जसुमती, जसुमती का मतलब क्या हो गया, मैया यशोदा। उधर, उधर का मतलब क्या हो जाएगा, उधर का मतलब हो जाएगा पेट, और यहां पे यशोदा। तो इसी से पता चल रहा है कि बताया जा रहा है यशोदा का पेट। उसके बाद अगाध, अगाध का मतलब हो गया कि जिसकी गहराई की कोई सीमा ही नहीं है, बहुत गहरी, बहुत ज्यादा गहरी। और उसके बाद आ जाता है उदती तय, इसका मतलब हो गया समुद्र से। तो यहां तक हमें पता चल रहा है कि यशोदा का पेट इतना गहरा है कि समुद्र से भी ज्यादा, समुद्र से भी ज्यादा गहरा है। इसके बाद आता है उपजी, उपजी का मतलब हो गया उपजना, यहां पे उपजना का मतलब हो गया जन्म देना, जन्म देना, ठीक है। ऐसी, ऐसी, ऐसी कौन, किसको जन्म देगी यशोदा, बच्चे को, बच्चा। उसके बाद सबनी, सब मतलब सब, सबने कहा, कही कहा। तो इस तरह से एक एक वर्ड अगर हम समझ लेते तब व्याख्या करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता। इसी तरह दूसरी पंक्ति के बारे में भी हम जान सकते हैं, सुरश्याम। सुरश्याम यहाँ पे कवि सूरदास के बारे में कह रहे हैं, वो श्याम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, प्रभु कृष्ण, इंद्र नीलमणि, नीलकांत के मणि से भी सुंदर, ब्रज वनिता, ब्रज की गोपियां, उर मतलब दिल, हृदय। तो इस तरह से एक एक वर्ड का अगर हम मीनिंग जान लेते तो हमें इसको फ्रेम करना बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें सप्तसंगी व्याख्या करो के लिए हर एक वर्ड का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। अब चलिए व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या किस तरह से करेंगे, जो पंक्तियां दी गई है उसके बारे में हम इस तरह से लिखेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सूरदास जी कहते हैं कि पूरे ब्रज में, पंक्तियों के पहले ऊपर का हिस्सा भी हमें ध्यान करना होगा, रिमाइंड करना होगा कि क्या था, तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे कि पूरे ब्रज में श्री कृष्ण की सुंदरता की चर्चा हो रही थी, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, नंद के महल से लेकर पूरे गांव को सजाया गया था, पूरे के पूरे ब्रजवासी श्री कृष्ण की खूबसूरती को देखने के लिए उत्सुक थे, एक छवि देखने के लिए उत्सुक थे। और ऐसी छवि जिसका बखान हजारों मुख से भी नहीं किया जा सकता, जितनी तारीफ करे उतनी कम। तो ये सब चीज हम व्याख्या में लिखेंगे। उसी पर ब्रज की गलियों के वासिंदे, ब्रज की गोपियां कहती है कि इतने खूबसूरत बालक को श्री कृष्ण को माता यशोदा ने जन्म दिया है, माता यशोदा का पेट तो समुद्र से भी गहरा रहा होगा जिसमें इतनी खूबसूरती समा गई है, ठीक है। कौन कह रहा है, ब्रज की गोपियां कह रही है। कवि सूरदास आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो खूबसूरती है, सुंदरता है, वो ब्रज की गोपियों के दिल में नीलकांत के मणि के समान बस चुकी है। ये बात सूरदास कहते हैं, तो व्याख्या में हम ये लिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने दिया उपसंहार, उपसंहार हम व्याख्या के साथ ही लिख देंगे, अलग से लिखने का कोई जरूरत नहीं है, व्याख्या के साथ हम उपसंहार लिख देंगे। वो इस प्रकार लिखेंगे, अर्थात पूरे ब्रज में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर श्री कृष्ण की सौंदर्य का चर्चा चल रहा था, बस इतने ही हमें करना है इसमें, और हमारा सप्तसंगी व्याख्या करो पूरा परफेक्ट हो जाएगा। इसके दूसरी तरफ अगर हम किसी गद्यांश
का सप्रसंग व्याख्या करो कर रहे, तो उसमें भी वही चीज होगा। संकेत में हम पंक्तियां लिखेंगे, संदर्भ में हम लिखेंगे कहां से ये पंक्तियां आई है, इसके लेखक कौन है, याद रहे। कविता में हम कवि लिख रहे हैं, ठीक है, कि रचयिता कौन है, और गद्यांश में हम लिखेंगे इसके लेखक कौन है, और उसके बाद प्रसंग लिखते हुए व्याख्या करेंगे हम, और उपसंहार हम लिखना, उपसंहार लिखना जरूरी है, ये बात ध्यान में रखिए। चाहे आप व्याख्या के साथ अंतिम पंक्ति में लिखें या फिर अलग से उपसंहार लिखें, उपसंहार लिखना जरूरी है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वक्त पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आज के लिए इतना ही।